फ्रेंड्स, आई एम नीलय सिंह। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1B ऑफ रियल नंबर फॉर क्लास एक्स। एज वी सॉल्व सम सैम्पल प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1A एंड 1B बाय यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आफ्टर दैट वी रीड सम प्रॉपर्टी अबाउट द एक्सरसाइज 1B। What are the properties? The properties are fundamental theorem of arithmetic and the properties of HCF, LCM and the relationship of HCF, LCM for especially two numbers. यानी इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है जिसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके ढेर सारे क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व किए और उसका पैटर्न जाना और समझा कि कैसे उसको लगाना है हमको। आगे चल के हमने एक्सरसाइज फर्स्ट बी के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई आपको कि HCF LCM क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों को कम्बिनेशन के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप सभी को आया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। इसके बाद हमने ये जाना कि HCF, LCM और दो नंबर्स के लिए एक रिलेशनशिप होती है जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, या फिर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM भी बोल सकते हैं उसको। आगे जाएंगे तो देखेंगे हमने क्या पाया कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, नंबर हैविंग एटलीस्ट टू प्राइम फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स बोलो वो भी चलेगा, यानी एक ऐसा नंबर जिसके कम से कम दो फैक्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो ये और इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ा था जिसमें हमको ये बताया गया कि कोई भी प्राकृतिक संख्या एक के बाद, यानी कोई भी नेचुरल संख्या जो एक के बाद आती हो, या तो वो प्राइम नंबर होती है या तो वो ऐसा नंबर होता है जिसके अगर फैक्टर्स करे जाएँ तो हमको सारे क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर्स के रूप में मिलेंगे। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन पिक किया है आपकी एक्सरसाइज से, उसी को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप लोगों को अगर और भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है, तो उसको पूछिए व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर ऐड कर दीजिए, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करिए क्वेश्चन को, हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वीडियो उसके लिए क्रिएट किया जाएगा, अच्छे से उसको समझिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग उसको घर पे अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको कभी भी नहीं आएगा। बात समझ जाइए कि आपको बार बार इसीलिए रिपीट किया जा रहा है कि कैसे भी करके उसको बार बार लगाएंगे तो ही आएगा, बार बार वीडियो को देखिए तभी आएगा। अभी ऑनलाइन क्लास में भी पूरी संख्या में आप लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करिए, आप टाइम से 9 बजे से ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स आसानी से लगा लिया होगा। सेवन थोड़ा सा नया मिला था हमको। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92, 473/645। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना जिसके बाद उसे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं किया जा सके, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सके, वही क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। तब हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। अभी देखते हैं, हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो उसके लिए कोई एक वैल्यू चूज कर ली जाती है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, जिससे दोनों से क्या हो, एक ही नंबर से क्या हो, दोनों डिविजिबल हो। तो जैसे अगर कोई नंबर, साधारण सा नंबर हम लेते हैं, अगर हमको दे दिया गया 10/16, तो हम इसमें कोई एक नंबर चूज करते हैं जिससे ये दोनों क्या हो, डिविजिबल हो। जैसे हमने 2 चूज कर लिया, तो 2 से 10 भी डिविजिबल है, 16 भी डिविजिबल है, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5 upon 8। क्या हम और भी कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 8 दोनों को डिविजिबल कर सकता है, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए 5 upon 8 क्या हो गया, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो वैसे ही इसको भी करना है। अब हमको इसमें बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, 473/645, 1095/1168,
368 बाई 496। तो अब इतने बड़े बड़े नंबर, या फिर अगर 2 से ही हम कट करना स्टार्ट करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स ढेर सारे निकलेंगे, काफ़ी हमको तकलीफ होगी उसको करने में, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा पैटर्न है, दोनों नंबर का क्या कर लीजिए, सबसे पहले HCF फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे किसका, 69 और 92 का। एट फर्स्ट यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, HCF ऑफ 69 एंड 92। सबसे पहले या तो आप लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए या फिर आप प्राइम फैक्टर से ही कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम ले लेंगे 69, 2 से VSA की डिविजिबल नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 9 और 6 को ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ से 3 हम चूज कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, 3 2 6, 3 3 9। फिर उसके बाद यहाँ से हमको क्या मिला, 3 2 69 ही है ना, एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ से 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर ट्री फैक्टर से हम कर रहे हैं और नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर मिल गया तो वहीं पे प्रोसीजर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसको छोड़ देंगे। अभी सेकंड नंबर को लेते हैं, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 92। तो ऑब्वियस है कि ये 2 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 2 से देखते हैं, 2 4 8 2 6 12, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 4 2 3 6, अभी यूनिट डिजिट इसका भी आ गया, लास्ट डिजिट क्या आ गया इसका भी, 23। और आप सभी जानते हैं कि 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी देख लेते हैं इसका HCF ऑफ, पहले प्राइम फैक्टर लिख लीजिए दोनों का, 69 का जो है प्राइम फैक्टर हमको मिला क्या, 3 × 23, और इसका क्या मिला हमको, 92 का 2 × 2 × 23। अभी यहाँ से प्राइम फैक्टर के रूप में क्या मिल गया, 3 × 23, 2 × 2 × 23। तो HCF ऑफ 69 एंड 92। तो इसमें HCF कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बोला था कि चूज द वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम विथ लोएस्ट पावर, यानी जिसकी सबसे कम पावर हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं करता, यहाँ 3 है और कहीं 3 है ही नहीं, 23 सिर्फ इन्हीं दोनों का क्या बना है, पेयर बना है, इसीलिए इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 23। अब यहाँ से हमको 23 मिल गया, और 23 से क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी ऐसे देखने में काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। HCF भी ये छोटी सी वैल्यू है जो दिमाग में आ सकता है कि हम इसको आसानी से कट कर सकते थे, लेकिन जब छोटी वैल्यू नहीं होगी, बड़ी वैल्यूज मिलेंगे, जैसे 473, 645, 1095, 1168, तब आपको इसमें क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और HCF आप लॉन्ग डिवीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आप थ्री में फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर प्राइम फैक्टर जेसन से भी, चाहे आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 69 92 डिवाइडेड बाई 23 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 23, 3 बार में जाएगा यहाँ से, और एक 3/4 क्या है इसका, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे किसी नंबर को हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आई होप आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो। आगे देखते हैं हम लोग,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ध्यान रखिएगा जहां लार्जेस्ट पूछता है वहां पे हमेशा एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, जहां स्मॉलेस्ट लिस्ट पूछेगा वहां क्या करेंगे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन होता है, ग्रेटेस्ट पूछता है तो हम वहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एलसीएम कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बहरहाल जैसे भी आपको वहाँ पे मिलेगा लार्जेस्ट नंबर वहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करिएगा। वैसी रेयर सिचुएशन में बता दूंगा आपको कि कहाँ आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, कहाँ आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन इच केस। क्या है दो नंबर हमारे पास 438 एंड 606। ये दो नंबर है हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि हम ऐसे कौन से नंबर से इन दोनों का डिवाइड करेंगे कि दोनों में क्या हो रिमाइंडर 6 बचे। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 6 है तो 6 जब भी बचेगा यानी इन दोनों में से 6 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो उस नंबर से ये क्या हो जाएंगे पूरी तरह डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं तो दोनों क्या होंगे आसानी से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम 6 क्या करेंगे इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 438 है, अभी इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 432। और 606 है तो इसमें से जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 600 मिल जाएगा। आप चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से कैलकुलेट करें चाहे आप ट्री फैक्टर से। तो ट्री फैक्टर से कर लिया, अभी लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं एचसीएफ कैलकुलेट। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इसका। तो क्लियरली 438 इज लेस देन 600 या 600 इज ग्रेटर देन 432। सो 432 इज डिवाइडेड बाई 600 इज डिवाइडेड बाई 432। ऑब्वियस है, वन टाइम ही क्वोटिएंट मिलेगा हमको। व्हेनेवर वी डिवाइड 600 बाई 432 वी गॉट 1 एज अ क्वोटिएंट एंड एज अ रिमाइंडर 8 एंड 6 एंड 1 168। आफ्टर दैट वी डिवाइड 432 बाई 168 अगेन 432 बिकम्स द डिवाइडेंड एंड द रिमाइंडर 168 बिकम्स द डिवाइजर। अभी हम इसको 4 टाइम ले जाएंगे तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम ले जाएंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? 3 × 24 3 6 18 20 3 × 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 टाइम इसको हम ले जाते हैं, 2 × 8 16 2 × 6 12 1 13 2 × 8 16 2 × 6 12 1 13 2 × 2 1 3 Whenever we subtract 436 from 432 we got 6 9 96. When we divide 96 by 168 we got 1 as a quotient and 96 as a remainder. Whenever we subtract 96 from 168 we got 72. We divide 96 with 72 we got 72 × 72 0. When we subtract 7 from 9 we got 2. 20 divided by 72 after that we got 23 × 16 we got 12. Now we divide 12 with 70 we got 12 × 70. Hence the largest digit is 12. We check the answer of question number 8. यहाँ कहीं एक माइनर मिस्टेक आई है, 8 का आंसर जो है 24 आ रहा है, कहीं से हमने गड़बड़ किया है, कहाँ किया है देख लेते हैं। हाँ यहाँ से किया है,
जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, 2 7 में से 6 जाएगा, 1 ही आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, कहीं पे रॉन्ग हुआ है, चेक करते हैं एक बार फिर। 432 बन जाए 432, व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 10 टू 8, सिक्स 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आएगा, सही है। 2 8 16, 2 6 12 113, 2 1 2 1 3, 12 से 6 जाएगा 6, 12 से 3 जाएगा 9, 3 96, 96 बन जाएगा 96, 8 से 6 जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं दिख रहा है। फिर से आंसर एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। 24 आ रहा है, तो कहीं मतलब हमने राउंड किया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर। फोर हंड्रेड 32 बन जा 432, 8, हाँ यहाँ पर भी गड़बड़ नहीं है। 2 16 2 3 12 1 13, 2 1 2 1 3, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 96, 96 बन जाए 96, 8 से 6 ट्रांसफर करेंगे 2 आएगा, 16 से 9 होगा 7, 72 बन जाए 72, 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 7 आएगा 2, 23 16, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है क्या, यहाँ पे 72 हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का 72 की जगह पे क्या रहेगा, 20 रहेगा। फिर देखते हैं 12 बन जा 12, फिर 8, फिर 12, इससे तो और छोटा आंसर आ रहा है, 8 बन जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 टू जा 8। अब एक बार इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं, ऐसे तो 4 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अभी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से एक बार देखते हैं कि उससे क्या होता है, इससे तो हमारा 4 आ रहा है, अगर उससे भी 4 आएगा तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से, यहाँ क्या था हमारे पास 432 था सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ क्या था 600, 432 और 600 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तब देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 6 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यहाँ 0 क्यों लगाए, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ क्या किया गया है, कॉपी आउट किया गया है। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी यहाँ से देखते हैं 2 3 जा 6, 300, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अगेन 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। तो एज अ प्राइम फैक्टर हमको क्या क्या मिल गया, क्या मिला है हमको 438 का जो है प्राइम फैक्टर हमको क्या मिला है, 1 2 3 4, यानी मीन्स 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, 3 पावर 3, और सॉरी 432 का है ये, और 600 का प्राइम फैक्टर हमको क्या मिला है, 2 पावर 3 एंड ओनली 3 एंड 5 पावर 2। नाउ द एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600 इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि जो दोनों वैल्यू में कॉमन होती है वैल्यू, उसकी जिसकी सबसे कम पावर होती है उसी को क्या करते हैं,
चूज करते हैं। इसमें कॉमन 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो किसको चूज करेंगे, 2 पावर 3 को चूज करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 3 दोनों में कॉमन है, 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, तो कम जिसकी उसी को चूज करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 24। तो हमने कहीं लॉन्ग डिवीजन में 1-2 स्टेप रॉन्ग हो गया था, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ईजीएस्ट मेथड होता है कंपेरेटिवली लॉन्ग डिवीजन मेथड के। तो ट्रिम फैक्टर और लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही बेसिक सा डिफरेंस होता है, कभी कभी हो जाता है माइनर मिस्टेक, आप अगर दोबारा से उसको लगाएंगे या फिर रीचेक करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो अभी उसके लिए टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो किसी न किसी प्रोसीजर से आना चाहिए। तो यहाँ से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लिया, इसका HCF कैलकुलेट किया है। तो जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जाएगी आपसे तो यहाँ पे 24 आप उसको कैलकुलेट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर बाई लॉन्ग डिवीजन, जैसा भी आपको हो। एक बार लॉन्ग डिवीजन फिर देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ हमने मिस्टेक की थी, क्योंकि पैटर्न दोनों आना चाहिए आपको, दोनों पैटर्न पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस पैटर्न से आपको 24 आ गया तो उस पैटर्न से भी आना पॉसिबल ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पैटर्न से 24 आए और दूसरे पैटर्न से कुछ अदर आंसर आए, दोनों पैटर्न से सेम आंसर आने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास की वैल्यू 432 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी 600। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 432 डिवाइडेड बाई 600 वन टाइम जाएगा, तो 432 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और यहाँ 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 168। अब 432 का डिवाइड होगा इससे 168 से, तो ऑब्वियस है कि 3 टाइम लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 टाइम लेकर जाएंगे। 2 8 16 2 6 12 12 1 13, फिर इसके बाद 2 1 2 1 3, 2 8 16 2 6 12 1 13, 2 1 2 1 3, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिलेगा 6 9 एंड 0। अब 96 का डिवाइड करेंगे हम 168 से, 2 टाइम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम ही लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96। फिर 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आएगा, तो यहाँ आएगा 96, 72 बन जा 72, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24। यहीं पे हम लोगों की माइनर मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 96 की बजाय हम लोगों ने क्या रख दिया था, कोई अदर डिजिट रख दिया था, इसलिए वैल्यू जो है रॉन्ग आ रही थी। तो ये भी स्टेप आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक बार इसको रिपीट किया। अब 72 का डिवाइड करेंगे तो 24 3 4 72, तो यहाँ जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि HCF जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, यानी इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 24। तो यहाँ पे आपने दोनों प्रोसेस जाना, लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको ईजी लगे उस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हमने लार्जेस्ट नंबर पे पढ़ लिया है, एक पढ़ते हैं हम लोग, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 35 56 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी हमको क्या करना है, एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम 35 56 और 91 से जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 7 एज अ रिमाइंडर मिलता है। तो फिर देखिए 35 56 एंड 91 हमको रिमाइंडर के रूप में मिल रहा है, तो देखते हैं हम लोग। तो लिस्ट नंबर मैंने बताया आपको, ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा तो क्या करेंगे उसका HCF कैलकुलेट करेंगे, और लिस्ट नंबर मिलेगा तो क्या करेंगे उसका LCM कैलकुलेट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें LCM कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें भी रिमाइंडर निकल रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एट फर्स्ट आपको LCM कैलकुलेट कर लेना है, देन जो भी वैल्यू आएगी ईच केस, उसमें क्या था
टोटल वैल्यू टोटल सिचुएशन थी तो उसमें मिल रहा था, इसमें इन ईच केस बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, जो रिमाइंडर छूट रहा था अगर उस रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यानी सबसे पहले हमको एलसीएम कैलकुलेट करना है, देन क्या करना है उसका उस जो रिमाइंडर है उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो जहाँ भी लिस्ट नंबर करके आपको मिलेगा वहाँ पे आप एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिएगा और दिए गए नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इन ईच केस में क्या मिल रहा है, आपको रिमाइंडर मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। आगे देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 28 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12। देखिए अब दो दो रिमाइंडर दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 28 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 20 आएगा और 32 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 20 आएगा। अब ये क्या है, कॉमन वैल्यू है 20, तो सबसे पहले आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे, देन 20 उसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। बात समझ में आई ना, तो सिचुएशन सेम है, अब दोनों में अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे थे तो सबसे पहले वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का क्या आ गया आंसर, 20 आ गया। यानी सिमिलर वैल्यू क्या होगी, दोनों के एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 28 और 32 के एलसीएम में से आप 20 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अंडरस्टैंड, तो ऐसे करके आप लोग सारे क्वेश्चन इसमें के लगा लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको आप पूछ सकते हैं। आपको तरीका पता है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उसको पूछ लीजिएगा, उसके लिए फिर से वीडियो सभी लोग एक साथ, क्योंकि एक दिन में एक एक्सरसाइज आप आसानी से फिनिश कर सकते हो। तो सबके क्वेश्चन अगर मेरे पास होंगे तो मैं इकट्ठा सबके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, अगर नहीं होंगे अलग अलग दोगे तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी उसको बनाने के लिए। तो इसलिए सभी लोग, कल का आपका होमवर्क है, एक दिन पहले से भी मैं ये होमवर्क आपको दे चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो आई होप लग रहा है आप लोगों ने लगाया है नहीं इस चैप्टर को, इसीलिए पहले इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करिए, देन जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन पूछिए, हम आगे पढ़ते हैं। आगे आपका जो है चैप्टर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं पिछले चैप्टर के, तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर्स, रेशनल नंबर, इसके लिए मैंने वीडियो भी प्रिपेयर कर लिया, उसको भी देख सकते हैं। रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट वेदर ए गिवन रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर, किसी भी छोटे बच्चे को बुलाइए उसे बोलेंगे काउंटिंग नंबर सुनाओ, तो कभी भी वो जीरो से नहीं स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जिनको क्या किया जा सके, गिना जाता है, वो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अभी आगे देखते हैं हम लोग होल नंबर है, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, जब जीरो उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अभी कई बार कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि आप लोगों को लगता है कि हर एक होल नंबर उसी को बोलेंगे जिसके साथ जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे 10 हुआ 20 हुआ, तो सिर्फ यही होल नंबर नहीं है, सभी होल नंबर होते हैं, जीरो हो ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। जीरो एक मेंबर होता है जो नेचुरल नंबर की लिस्ट में अगर शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा, वो टोटल होल नंबर हो जाएगा। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं लेकिन सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इसके बाद इंटीजर्स बताया जा रहा है, इंटीजर्स के बाद ऑल काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज को अगर कंबाइन किया जाए तो वो इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, आप प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेगेटिव इंटीजर -1 2 -2 -3 -4, ये नेगेटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या होता है, क्यू जो होता है बेसिकली डेनोमिनेटर होता है किसी भी रेशनल नंबर का, और डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे समझ लेते हैं हम लोग, पी अपान क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए उसको देखते हैं, जैसे 2/0 हो गया, अभी जीरो को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो टू या जीरो या जीरो कितनी भी बार में ले जाओगे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। फिर सब्ट्रैक्ट करके लाओगे फिर टू आ जाएगा, फिर लेकर जाओगे फिर आ जाएगा,
मतलब कोई मतलब है नहीं इसको सॉल्व करने का, आपको बार बार वही वैल्यू मिलती जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कभी भी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अभी बता रहा है रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दो रूप से होता है सॉरी कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यू रीड दिस टॉपिक इन क्लास नाइन्थ, आपने इस टॉपिक को पहले से ही क्लास नाइन्थ में पढ़ चुका है, एक बार फिर आप लोगों को दिया जा रहा है सामने आपके आया है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिपीटिंग डेसिमल भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों क्या होते हैं, एक ही डेसिमल होते हैं। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए, एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो पहले फ्रैक्शन में हो, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कम्प्लीटली क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कम्प्लीटली क्या हो जाए, उसका डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जिसे हम कम्प्लीटली डिवाइड न कर पाए वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं क्या टर्मिनेटिंग होता है क्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे हमको दे दिया 19 अपॉन, अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का डिवाइड 19 से करेंगे, 2 9 दा 18, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 1, यहाँ 0 हो गया। अब डिजिट छोटा हुआ है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 अपने आप आ जाता है, एक पॉइंट का मतलब एक 0 आप आसानी से ले सकते हो। अभी 2 5 दा 10, यानी ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या मिला हमको 9.5। तो 9.5 क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे हमको मिल गया 7/3, अभी 7/3 का डिवाइड करते हैं, तो 3 का 7 से करेंगे, 3 2 जा 6, 7 से 6 करेंगे 1, पॉइंट लगाया 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, यानी बार बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। इसके ऊपर बार लगा देते हैं, कई बार जब आती है कोई वैल्यू तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, यानी ये क्या हो गया, एक रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो आपने दो चीजें पढ़ी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ये तो था कि हम इसको डिवाइड करके पता कर रहे हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको एक्सरसाइज में मिलाएगा क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे जिसमें बताएगा कि बिना भाग दिए ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अभी जितना भी हमने बताया उसमें हमको क्या किया, डिवाइड किया पहले तो डेसिमल में बदला, अगर पूरी तरह डिविजिबल था तो हम बता दे रहे थे टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा था तो हम बता दे रहे थे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। अब देखिए विदाउट डिवाइड किए हम लोग कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कोई एक नंबर हमको मिल गया 17/24, अभी इसको बताना है हमको क्या हो, क्या है ये, कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन के लिए एक फॉर्मूला है, जो डेनोमिनेटर होना चाहिए वो उसका जो प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए वो किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, 2m × 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए 2m या 5n क्या है, 2m यानी 2 की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 5 की कितनी भी वैल्यू हो सकती है। अब ये कंडीशन आती है कि सिर्फ अगर 2 आया तो भी टर्मिनेटिंग होता है या नहीं, सिर्फ अगर 5 आया तो भी टर्मिनेटिंग होता है या नहीं, या फिर ये दोनों ही कंपलसरी है टर्मिनेटिंग होने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में मत डालिए, इन दोनों में से कोई एक मेंबर भी अगर अवेलेबल है तो भी टर्मिनेटिंग, अगर 5 अवेलेबल है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 अवेलेबल है प्राइम फैक्टर में तो भी टर्मिनेटिंग, या दोनों कंबाइन एक साथ आए हैं तो भी टर्मिनेटिंग सॉरी इन दोनों के अलावा कोई अदर नंबर प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं आना चाहिए। अगर कोई एक सिंगल मेंबर भी इन दोनों के अलावा आ गया
तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जरा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 2 4 2 8 3 24। तो प्राइम फैक्टर क्या मिला हमको, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखें यहाँ 2 पावर m तो मिला, 5 पावर n मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई अदर मेंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी अदर मेंबर दिख रहा है ना आपको, 3 दिख रहा है, तो लिखेंगे हेयर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 2 पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n, दैट्स व्हाई 17/24 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई? तो अगर आपको कोई एक सिंगल भी अदर नंबर मिल गया तो वो इन दोनों फॉर्मेट के इक्वल नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमको मिला 27/50, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 10 5 50, तो इसका प्राइम फैक्टर हमको क्या मिला, 2 पावर n 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2। यहाँ 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से लिखेंगे क्या, क्लियरली द डेनोमिनेटर द प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर 50 इज इक्वल टू 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n, दैट्स वाई इफ दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई? तो अगर 2 और 5 अवेलेबल है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या तो 2 ही अवेलेबल है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 5 अवेलेबल है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत होगा। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में है कुछ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना, तो आप आसानी से उसको पहचान लीजिएगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे किसी रिपीटिंग डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी एक्सरसाइज लगाते रहिए।